भारतीय रेल और महात्मा गांधी का अटूट रिश्ता रहा है। तभी तो गांधी जी की याद को तरोताजा रखने के लिए रेलवे स्टेशनों पर उनकी विभिन्न कलाकृतियां सजाई गई हैं। सबसे खास बात यह है कि ये कलाकृतियां रेलवे के खराब हो चुके कलपुर्जों से तैयार की गई हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात के साबरमती जंक्शन की। ये स्थान गांधी जी की याद में शराबोर है और यहाँ स्टेशन के प्रवेश द्वार पर गांधी जी की खूबसूरत कलाकृति तैयार की गई है, जो लोगों को आकर्षित करने के साथ साथ हैरान कर रही है। गांधी जी की जो मूर्ति है वो उन्होंने वेस्टेज, हजारों जो नट बोल्ट वेस्ट होते हैं उनमें से पूरा अच्छी तरह से गांधी जी का स्टेचू बनाया है। हमको काफी अच्छा फील हो रहा है। ये दिखने में तो ऐसे मानो में सही गांधी जी दिख रहे हैं। इसका स्क्रिप्ट के हिसाब से जो उसकी कलाकृति बहुत बढ़िया बनाई है। साबरमती जंक्शन पर गांधी जी की इस तरह की कलाकृति गांधी आश्रम का आभास करा रही है। साबरमती के पूर्व में अहमदाबाद रेलवे डिवीजन के अंतर्गत शेड लोकोमोटिव में स्क्रैप का इस्तेमाल करके चरखे का निर्माण किया गया है, जो महात्मा गांधी के प्रतीक के रूप में स्थापित है। यहाँ श्रम कुटीर को मेहनत के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, जो ईमानदारी, कर्मठता और कार्य कुशलता का संदेश देता है। यहाँ का श्रम उद्यान भी डीजल शेड साबरमती के कर्मचारियों के सहयोग से निर्मित है। एक कंडम मटेरियल है डीजल लोकोमोटिव का, उसके कंडम मटेरियल में से एक ऐसा नया आइडिया लिया, उसमें से महात्मा गांधी जी का जो चरखा चलाते वो चरखा बनाया और ये चरखा बना के हमने यहाँ स्थापित किया। इसके अलावा भोपाल जंक्शन भी उन्हीं के रंग में रंगा हुआ है, जहाँ चरखे को आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया गया है। उन्होंने खादी और ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया था, जिसकी झलक इसमें नजर आ रही है। इससे बहुत बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि अगर वो कचरा देखते हैं तो वो कचरा और करने की सोचेंगे, लेकिन उससे एक अच्छी चीज बन रही है तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ भी गांधी जी का चरखा भारतीय रेल के डीजल लोकोमोटिव के खराब हो चुके पुर्जों से तैयार किया गया है और लोग यहाँ अपनी फोटो लेकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम रेलवे के रतलाम स्टेशन पर ट्रैक साइड बने गार्डन में स्क्रैप निर्मित आर्टिफैक्ट एवं वर्टिकल लैंप लगाकर और आकर्षक बनाया गया है। ये गार्डन यात्रियों के लिए आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र हो गया है। इसे स्क्रैप ट्राइकलर हैंड लैंप का उपयोग कर और खूबसूरत बना दिया गया है। वहीं स्टेशन के अंदर पुराने लोहे से एक शेर तैयार किया गया है, जो बल शक्ति का प्रतीक है। वहीं उज्जैन जंक्शन में पुराने लोहे के सामान से बनी स्क्रैप की कलाकृतियां कहीं आपका स्वागत करती नजर आ रही हैं। इनमें कोई ढोल मंजीरे बजाता तो कोई गिटार बजाता आपका अभिवादन कर रहा है। रेलवे के पुराने कलपुर्जों से बनी ये मूर्तियां सभी के आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। लोग यहाँ सेल्फी लेकर इन्हें अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। भारतीय रेल की इस नायाब पहल की सभी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीजों को प्रयोग मिलाकर भारतीय रेल ने अपनी उत्कृष्टता का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है।